हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं आर टेक्नोलॉजी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई फ्रेश कमाल वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपसे इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पबजी का जो इंडिया में बैन है वो हटेगा या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, 2nd of September वो घड़ी जब इंडिया में पबजी ऑफिशियली बैन हुआ था, सभी शॉक्ड थे। स्पेशली गेमर्स को बड़ा झटका लगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइबर सिक्योरिटी इंडिया ने स्पेशली सिक्योरिटी पर्पस से पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया था। पबजी कॉरपोरेशन जानता है कि इंडिया में उसका फैन बेस काफ़ी बड़ा है और उन्होंने इसी फैन बेस के सपोर्ट को देखते हुए टेंसेंट गेम से जो अपना स्टेक था और जो पार्टनरशिप थी एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए, वो पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ दी। और उस टाई अप को तोड़ने के बाद पबजी कॉरपोरेशन ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कोई इंडियन कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि उनके लिए डेटा को लोकल स्टोर कर सके और फ़ोन के लिए स्पेशली इंडिया में सारा सर्वर मैनेज कर सके। लीक्स और रूमर्स और इससे रिलेटेड न्यूज़ में हमें पता चला कि पबजी कॉरपोरेशन की जियो से बात हो रही है। अभी तक बातचीत हो रही है लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों कंपनीज़ की ओर से नहीं आया है। हालांकि कंपनीज एक दूसरे से बात कर रही है, लेकिन इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का एक और बयान आया कि पबजी सिर्फ चाइनीज़ कनेक्शन से नहीं बल्कि सुसाइड से भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उसको बैन किया है। इंडिया में जो सुसाइड हुए हैं पबजी रिलेटेड, कि मतलब किसी ने किसी को मार दिया पबजी खेलने की वजह से, एडिक्शन से कोई मर गया, ऐसी न्यूज़ के केसेस बहुत सारे बने हुए हैं। इसी रिलेटेड एक लड़के ने वो PIL दर्ज की थी, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने बैन किया है। हाँ, वो एक रीज़न है, लेकिन चाइनीज़ में कनेक्शन वाला एक रीज़न है वो भी है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। इसीलिए अभी तो उनका कोई प्लान नहीं है इसका बैन हटाने का। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए आगे की न्यूज़ के लिए।